चाय के साथ चीयर्स। हनुमान भाई क्या कर रहे हो तुम? आपने क्या मंगाया? छोले भटूरे। छोले भटूरे भाई साहब कैसी चीज लपलप आई। तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। और ये जो सीरीज़ होने वाली है ये भी धमाल होने वाली है। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है नैनीताल, जो कि यहाँ से मेरे घर से एक्चुअली 320-325 किलोमीटर है। मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक्साइटिंग होगा। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली से। तो यार सीन ऐसा रहता है कि दिल्ली में कम रहता हूँ मैं बाहर ज़्यादा, क्योंकि एक ट्रिप ख़त्म होता है तो दूसरा ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना पैसा आता कहाँ से है कि आप हर समय ट्रिप पर रहते हैं, तो उसका भी मैं जवाब किसी न किसी वीडियो में दूंगा आपको। तो बने रहिए एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर के साथ, आपको एक से बढ़कर एक अपने ब्यूटीफुल इंडिया के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं धौला कुआं और यहाँ से मुझे लेना है राइट। तो भाई साहब सुबह सुबह का नज़ारा देख लो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाय, लाली छाई हुई है आसमान में। देख लो हम निकल चुके हैं दिल्ली से बाहर और इतना ट्रैफिक भाई साहब सुबह सुबह। नज़ारे खूबसूरत थे पीछे, तो होपफुली 3 या 4 बजे तक हम नैनीताल लग लेंगे। ये देखो का बवाल मचा रखा है। पूरा रोड की लुटिया डुबो रखी है। तो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं रुकेंगे और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं दूसरे राइडर से भी आपको। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? तो लीजिए हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर? गजरौला में। गजरौला तो करीब करीब हमने कवर कर लिए 120। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको अपने डीजी सर से। डीजी सेकंड, हाय फ्रेंड्स। आपने इनको देखा होगा पोलर ओडिसी में, देखा ना? तो आज हम राइड कर रहे हैं साथ में और करीब करीब हम जानते हैं एक दूसरे को 4-5 साल से, लेकिन पहली राइड हो रही है, मौका आज लग रहा है। और दूसरे राइडर हैं भाई, ये हमारे मुच्छर। ये है अनमोल खन्ना, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, कौन सा था? ARK व्लॉग्स। तो जाकर देखिएगा, और वैसे तो यार अब आपको पता ही चल जाएगा, तो जाकर देखना, कॉन्टेंट अच्छा है। अगर नहीं अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना पहले, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं, देखने के बाद। देखो यार कंटेंट अच्छा होगा तो बंदे को सब्सक्राइब जरूर मिलेंगे। चले बाबू मोशाय। सो गाइस, हाँ ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और बस अब भागते हैं आगे की तरफ। 184 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो जी बढ़ा जाए, यहाँ से नैनीताल है 184 किलोमीटर। बाकी डीजी सर चला रहे हैं, कौन सी थी यार ये? हाँ इंटरसेप्टर, हाँ इंटरसेप्टर। और भाई चला रहा है ये डोमिनर, वही राक्षस, काला राक्षस, हमारा सफ़ेद शेर उसका काला राक्षस। तो हवा बहुत तेज चल रही है इस टाइम, बहुत तेज। मुझे लगता नहीं कि आवाज़ इतनी क्लियर आएगी जितनी मैं चाहता हूँ। ये देखो बंदे ऐसा लग रहा है कि उड़ने को हो रहे हैं। सो गाइस राइट नाउ हम पहुँचे हैं हल्द्वानी से 20 किलोमीटर पहले। यहाँ पर कुछ एक फ़ोटोग्राफ वगैरह लिए हमने,
तो यहाँ पर कुछ थोड़े देर हमने रेस्ट किया। मैंने सोचा यार यहीं से जो कैमरा है वो स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा था थोड़ा सा अच्छा है, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। तो यहीं से व्लॉग आज का मेन स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया हमने। एक्चुअली कोई भी वीडियो वगैरह ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, भागते रहे। तो कोशिश है जल्दी से जल्दी नैनीताल पहुँचने की और वहाँ के नज़ारे जो है वो आपको दिखाने की। आई होप मज़ा आने वाला आज, है ना सर? बिल्कुल, आ जाओ। हो भाई साहब, हवा तो ठंडी चल रही है लेकिन जैसे ही धूप के अंदर रुकते हैं गर्मी भाई लेनी देनी कर देती है। हाँ अब कुछ हवा लगी है ठंडी ठंडी, जब बाइक चली है। चली चली रे पवन, चली चली रे। और स्पीड लिमिट है यहाँ पर 55। तो रोड कंडीशन इस टाइम काफ़ी अच्छी है। पीछे का जो रोड था जिससे हम आए हैं भाई साहब, उसने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी पूरी। तो क्योंकि रोड बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। तो हल्द्वानी तक 23 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऐसा ही है, फुल लॉन ग्रीनरी मिलेगी हमें। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी पहाड़ों की चढ़ाई। लंच का टाइम हो चुका है और 1:21 हो चुके हैं। तो भूख का आलम अब और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये है हल्द्वानी शहर, काफ़ी ब्यूटीफुल है और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर। मतलब ग्रीनरी भी है और साफ़ सफाई भी है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ फल वाले, फ्रूट वाले, रेड़ी वाले, जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, कमाई कर रही हैं। नैनीताल 41 बचा है, वाह। और अगर 40 की स्पीड से भी जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे यार नैनीताल 1 घंटे में। लेकिन जैसे ही पहाड़ शुरू होंगे ना वहाँ, तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करना बनता है और एक ड्रोन शॉट कोशिश करेंगे लेने की। पता नहीं, पूछ लेना नैनीताल। नैनीताल चल चल चल, मोड़ मोड़। चलो जी भाई साहब, भसड़ है, भसड़ बहुत ही भसड़ है यहाँ। आओ भैया, हमारा जो सैडल बैग है थोड़ा सा चौड़ा है तो जगह देख के निकालनी पड़ती है गाड़ी। गर्मी और ऊपर से ऐसा ट्रैफिक मिल जाए भाई साहब, मतलब लाइफ झींगा लाला हो जाती है। राहत फती अली, अरे बाबा तुम बीच में क्यों खड़े हो? भाई ये भी एक सीन है इंडिया में कि गाय माता और बैल, कुत्ते, भेड़, बकरी सब बीच में आ जाते हैं और जाम लग जाता है, और यही कारण है कई एक्सीडेंट्स का भी। तो बचकर चलाएं, देखकर चलाएं, सुरक्षित चलाएं, रोड पर ध्यान रखें। तो लीजिए, शुरू हो चुके हैं अब पहाड़, मतलब कि चढ़ाई शुरू हो चुकी है नैनीताल की। और नैनीताल यहाँ से रह गया है सिर्फ 35 किलोमीटर, 35 भी नहीं, मेरे ख्याल से 34 किलोमीटर रह गया है। और जो एक्चुअल चढ़ाई है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ये जो पुल गया इसको क्रॉस करते ही।
तो दोस्तों आज के सफ़र का 3 किलोमीटर सिर्फ बाकी रह गया है, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं अब नैनीताल, और उसमें से भी आधा किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। ये लीजिए जस्ट 2 किलोमीटर रह गया अब, और ये भाई साहब बिल्कुल ही सीधे आ रहे हैं। हनुमान गढ़ी राइट है, लेकिन हमें हनुमान गढ़ी जाना नहीं है अभी, तो हमें जाना है नैनीताल। ये देखो है ना खूबसूरत, और भाई लगे हुए हैं सेल्फी मोड में वीडियो लेते हुए। सरोवर नगरी नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है। पहुंच गए भाई साहब हम नैनीताल। तो अब हम करते हैं डीजी सर को आगे, तो वो रास्ता बताएंगे कहाँ पे जाना है, क्योंकि हमें लग रही है भूख, और डीजी सर की फरमाइश है कि हमें खाने हैं छोले भटूरे। भाई साहब मतलब कि मज़ा ही आ जाएगा। हमारे भाई साहब कहाँ गए, अनमोल भैया कहाँ गए, आहो आहो आ जाओ। सो गाइज यू कैन सी द नैनी लेक इन फ्रंट ऑफ अस। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए नैनी लेक है। वाह यार, करीब करीब 6-7 साल बाद मैं नैनीताल आ रहा हूँ। हाय, बोटिंग चल रही है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। आह क्या मज़ा आ रहा है यार लेक के साथ साथ बाइक राइड करने में। इधर से ठंडी हवा आ रही है, और मतलब फील ही अलग आ रही है। चाहे कितना ही बड़ा ट्रैवलर हो, नैनीताल आना बनता है, आकर देखो यार देखो। और एक चीज़ और है, आप किसी भी हिल स्टेशन पर चले जाइए, आपको वहाँ पर मॉल रोड ज़रूर मिलेगा। भाई ये गजब चीज़ है इंडिया में। अब ये तो कह नहीं सकता कि बाहर भी ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इंडिया में तो ये श्योर है कि किसी भी हिल स्टेशन पर जाओगे तो 99% आपको मॉल रोड मिलेगा ही मिलेगा। मोड़ लो सर। हाँ जी कैमरा लगा हुआ है। इधर सर, सब खा जाओ, भूख लग रही है। बहुत तेज भूख लग रही है। सीरियसली यार, मतलब सुबह कितने बजे खाया था? 8 बजे खाया था। हाँ 8:15 बजे खाया था, उसके बाद सिर्फ पानी ही पानी। बच्चे की जान लो। किधर जाना भाई, बैठने का जुगाड़ कहाँ है? कहाँ बैठने का भाई? अंदर। बाइक सेफ है ना, सामान भी है उस पर। सो गाइस, जैसा कि देखा आपने, हमने बाइक लगाई अपनी यहाँ पर, और हम पहुँचे एक छोटे से रेस्टोरेंट में। मेन रोड पर ही है, मॉल रोड कहते हैं ना इसको, मॉल रोड ही है। तो यहाँ पर हमारे डीजी सर की फरमाइश थी कि एक हमें छोले भटूरे खाने हैं, तो ये आ गए हैं छोले भटूरे, काफ़ी फेमस है यहाँ के। और आपने क्या मंगाया? छोले भटूरे भाई साहब, कैसी जीप लप लप आई। खाकर बताइए टेस्ट कैसा है। नैनीताल में छोले भटूरे, वाह नहीं मजा ही अलग है। नहीं खाया तो कुछ भी खाया, कुछ नहीं खाया। तो भाई साहब पेट पूजा वगैरह हो चुकी, मजा आ गया खा के छोले भटूरे और एक कोक पी। तो अब बढ़ते हैं हम रूम की तरफ, रूम ढूंढना यार। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे रूम हैं। क्या नज़ारा है यार, मौसम देखो, मौसम क्या गजब का मौसम हो रखा है इस टाइम। तो भाई तैयार हो गए हैं हम, फ्रेश व्रेश हो चुके हैं, और ये है रूम जो कि हमें मिला 1200 रुपये का, और 3 लोगों के लिए एक बेड, जो बेड है वो एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पर। बाकी बाहर का जो नज़ारा है भाई साहब, एंड है एंड। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वही, क्योंकि उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, नज़ारे। लेट्स गो एंड सी द व्यू। देखिए सामने का नज़ारा, ये देखिए सामने ही आप देख सकते हैं नैनी झील है,
अभी यहाँ पर बोटिंग हो रही थी लेकिन थोड़ी बहुत बारिश आई और सारे के सारे जो पर्यटक थे सब भाग गए। और इधर देखिए एक चर्च है, मेरे ख्याल से जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये रहा। ये जो रूम है ये काफ़ी ऊपर आके मिला है हमें और बाइक नीचे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक्चुअली 6 से 9 के बीच बाइक लेके जाना वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा इसको नीचे जाना स्किप करें, लेकिन कोशिश पूरी होगी थोड़ी देर में। चलेंगे सर क्या नीचे? यस सर, तो बिल्कुल रेडी हैं, तो हम भी रेडी हैं। दिखाएंगे आपको बाहर के नज़ारे, जो शाम है यहाँ की नैनीताल की वो भी, और अभी चाय के साथ चीयर्स। अनमोल भाई, हाँ जी, कहाँ कर रहे हो तुम? चाय का भाई, कहाँ घुसे हो? तो भाई मस्ती चल रही है, सीरियसली बहुत फन चल रहा है। एक्चुअली मौसम ने ना समा बांध दिया है यहाँ पर, मज़ा आ गया। नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वैसे यार, बहुत ज़्यादा ग्रीन अमेजिंग व्यू है यार, लेकिन रात में मेरे ख्याल से जो कैमरा है ना जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा। सीन ऐसा है कि रात को तो वीडियो में एंड कर नहीं पाया, तो सुबह हो चुकी है, हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए और आज का जो सीन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन ये जो सीन है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर के साथ। तो आज का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार अट व्लॉग्स होते हैं, अट मतलब नेचर से भरपूर। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही था, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।